गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। टुडे इज माय टॉपिक इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब आत्मसम्मान। क्या आपको आत्मसम्मान है? और अगर आत्मसम्मान आपको है तो आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे और क्या करोगे? और आत्मसम्मान की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? हम छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक होने तक हमारी जो सभी जो इच्छाएँ रहती है, जो भी कुछ नीड है, हमारे पेरेंट्स कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम आफ्टर 18 कंप्लीट कर लेते हैं, हम हमारे पैरों पे खड़े होना स्टैंड करते हैं, उसके बाद हम जो है, कोई जो है वो शादी करके चले जाती है लड़कियां, कोई हाउसवाइफ बनती है, कोई हाउसवाइफ के साथ साथ अपनी जो भी कुछ पढ़ाई की है उसके हिसाब से अपना जॉब करती है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इन अदर फील्ड में रहती है, काफ़ी सारे फील्ड में। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो एक्चुअली अभी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी भी बहुत बड़े फैमिली में हो गई है, तो देर इज़ नो एनी नीड फॉर मी कि बाबा मैं कुछ ऐसा जॉब करूँ या कुछ एनीथिंग आई विल डू ऑन माई ओन, या फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ अपना एकदम, मैं एकदम ब्लेस हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। दैट्स वाई वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे कहीं पे तो उसका जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुँचती है। क्यों? फ्रॉम माय साइड मैं उसे उस नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि कोई लोग ऐसे रहते हैं, उनका कहना रहता है मैं कुछ भी करूँगा, मैं छोटे से छोटा कष्ट करूँगा, बड़े से बड़ा कष्ट करूँगा, लेकिन हर दिन हर टाइम जैसे जैसे जा रहा है मैं फुकट का नहीं खाऊँगा, मैं कुछ ना कुछ अर्निंग करूँगा, मैं अपने फैमिली को हेल्प करूँगा। नहीं हुआ, मेरे फैमिली में बहुत सारा भी हो, लेकिन मैं अपने पैरों पर रहूँगा, मुझे अपने लाइफ में जो भी खाना है या फिर जीना है वो अपने पैरों पर रहेगा, ना कि एनी अनदर पे। तो यहाँ पर आप अपना आत्मसम्मान जो है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको समझते हो। इसके लिए हर इंसान ने, हर लेडीज़ ने भी और हर जेंट्स ने भी अपने आत्मसम्मान को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना चाहिए, और उनको अपनी नीड को समझ के, अपने पैशन को समझ के कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए, कि जहाँ पे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो रहता है, अपना जो आत्मसम्मान रहता है वो कायम रख सके, ऐसा मेरा कहना है। इसके लिए कभी भी नेवर लॉस योर सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ़ यू लॉस योर सेल्फ रिस्पेक्ट देन इट इज़ नॉट मीन वर्थ, इट इज़ नॉट वर्थ इट। देर आर सम पीपल्स, कुछ बंदे रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी ऐसी पढ़ाई कर ली, या फिर मैं ऐसा बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ, तो मैं काफ़ी सारा हुंडा दहेज ले लूँगा और मुझे आगे जाके कुछ अर्निंग की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ पे भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहा है। अगर आप खुद इतना स्ट्रांग हो तो आपको क्या ज़रूरत है किसी से पैसे लेने की, और किसी का हुंडा दहेज लेने? उससे अच्छा आप जितना कमा रहे हो, जैसा हो, उसके हिसाब से आप सेटिस्फाइड रहो। ठीक है, आपको लेना ही है तो नॉर्मल कुछ जो भी गिफ्ट्स आपके वाइफ के साइड से आ रहे हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं मुझे इतना इतना दहेज लूँगा, दो तीन गाड़ियाँ लूँगा, दो तीन घर लूँगा, देन मैं बहुत बड़ा बन गया। क्या इसको बड़ा बनना बोलोगे? नहीं, ये उल्टा ही नीचे जाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लॉस करना है। इसके लिए नेवर लॉस योर सेल्फ रिस्पेक्ट। छोटा सा छोटा चीज़ कमाइए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, जो भी कर कीजिए, लेकिन अपने बलबूते पर करें, क्योंकि आप बचपन से लेके अभी तक जो भी आप बड़े हो गए हो, तो आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए आपको नहीं पैदा हुआ है कि आपको किसी के मदर बनना है, आपको किसी के वाइफ बनना है, या फिर किसी का हस्बैंड, वाइफ, डॉटर। नहीं, आपका एक सेल्फ, खुद का भी अस्तित्व है, खुद का भी एक स्टैंड है, जहाँ पे आप खुद स्टैंड करते हो, तो उसको आपको समझना चाहिए। अगर आपने उसको समझ लिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ आपने समझ ली, तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करेंगे। नहीं,
करोगे, डेफिनेटली करोगे, ना कि आप दूसरे के पैसे में फुकट के खाओगे। मैं तो लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज भले ही आपका फैमिली अच्छा हो, आप कोई ज़रूरत नहीं है अर्निंग की, लेकिन भले आपके नज़र में वो राइट है, लेकिन जो दुनिया देखती है वो क्या बोलेगी, इतना बड़ी बड़ी डिग्री ले लिया, अभी क्या बहुत हाई फाई हाउस मिल गया, वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, बाकी क्या बोलेंगे, दूसरा तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं। तो क्या ये ट्रेंड आप अपने मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको दोगे कि बाबा अच्छे से पढ़ाई करो, काफ़ी पढ़ाई करो, माँ बाप से पैसे लो, उससे बहुत बड़ा पढ़ाई करके डिग्री लेके एक अच्छी खासी फैमिली में शादी करो कि उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ के खाने की सिर्फ ज़रूरत है, क्या ये सही है? नहीं। तो इसके लिए अंडरस्टैंड योर वर्थ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड उस पर काम कीजिए, और खुद अपने बलबूते पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कीजिए। आपने इतना सा भी चीज़ किया तो इट विल सेटिस्फाइड योर हार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर माई टॉपिक। मुझे ये चीज़ लगती है, ये मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं आपको भी पूछती हुई एक काज क्वेश्चन, क्या आपको मैं जो बता रही हूँ वह सही लगता है, या फिर आपकी कोई अलग राय है? नहीं मैडम ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि बाबा जो बता रही है ये राइट नहीं है। मतलब बड़े बड़े घर में जो लोग रहते हैं, उनकी जो वाइफ्स रहते हैं, उनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, दे हैव देयर ओन सेडेंटरी लाइफ, और उसको ज़रूरत नहीं, नहीं इतना घर में पैसा है तो क्या ज़रूरत है कमाने की, ऐसा है? ऐसा आपको लगता है क्या? अगर लगता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए। नहीं, आई एम वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप कुछ भी कमेंट्स हो, मतलब आपको कुछ भी लगता है तो मेरे इस चैनल के नीचे इसके बिलो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली लाइक कि बाबा क्या आप सोचते हो, क्या आपकी थिंकिंग है। ओके, और मैं जो ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, ये ना सिर्फ दूसरों के लिए, खुद के लिए भी मोटिवेशनल रहता है। इसलिए अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गुड बाय।